नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, रियलमी की तरफ से डेली कोई ना कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ना कोई न्यूज़ तो यहाँ पर आती रहती है। जैसे कि दोस्तों, कल से यहाँ पर देख सकते हैं रियलमी की तरफ से रियलमी का ऑफिशियल ट्रेलर यहाँ पर जारी किया गया है। एंड उसके बाद दोस्तों, आप जैसे रियलमी के यूजर से बस एक ही अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, उसका नाम है रियलमी UI। तो दोस्तों, आज के सर्वे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियलमी UI अपडेट के बाद आपके फोन के अंदर कौन कौन से मेजर चेंज वाले फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, रियलमी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी थी एंड काफी आपको इंटरेस्टिंग फीचर्स इस रियलमी UI के बाद सभी फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए ताकि आपके समझ में आए कौन कौन से हाईलाइट फीचर्स आपके रियलमी फोन्स के अंदर देखने को मिलने वाले इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद, आपके फोन्स के अंदर कब तक अपडेट देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि रियलमी UI का ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड डिवाइसेस के लिए, लेकिन दोस्तों जो अपडेट यहाँ पर बीटा टेस्टिंग के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, बीटा टेस्टिंग के लिए कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस है, जैसे कि रियलमी XT है, रियलमी X2 प्रो है, रियलमी X2 एंड रियलमी X, साथ ही दोस्तों रियलमी 3 प्रो जैसे डिवाइसेस को बीटा टेस्टिंग के लिए रियलमी UI का अपडेट यहाँ पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, बीटा टेस्टिंग खत्म होने के बाद आपके यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से आपके फोन के अंदर OTA के जरिए रियलमी UI का अपडेट देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार ही करना पड़ेगा। और दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद रियलमी डिवाइसेस के अंदर काफी टॉप फीचर्स मिलने वाले। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको एक 100 नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलने वाला है। तो 100 नोटिफिकेशन पैनल के जरिए आप एक ही फिंगर से सारे टॉगल्स एक्सेस कर सकते हैं, आपके ऊपर दो हैंड की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स, काफी ऑप्टिमाइज आपको होम स्क्रीन देखने को मिलने वाला है। एंड साथ ही दोस्तों, एप्लीकेशन के आइकॉन साइज, तो आइकॉन की साइज यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई स्क्वायर पे रखना है तो स्क्वायर भी रख सकते हैं, राउंडेड एज रखना है तो राउंडेड एज रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चार चार को टैप्स देखने को मिल जाते हैं आइकॉन साइज चेंज करने के लिए। तो आपके यहाँ पर मर्जी से जैसा आपको चाहिए वैसा आइकॉन साइज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसका जो राउंडेड है, राउंडेड कॉर्नर एडजस्ट कर सकते हैं, फोरग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आइकॉन की साइज भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एनिमेटेड वॉलपेपर्स मतलब कि लाइव वॉलपेपर्स आप यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के लिए सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एनिमेशन के स्टाइल मतलब कि जो चार्जिंग एनिमेशन का स्टाइल है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलने वाले, आप यहाँ पर फोन में सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर लाइट इफेक्ट, जैसे कि मैंने कहा था कि स्क्रीन लाइट इफेक्ट जो कि आराम से यहाँ पर सेट कर सकते हैं आपको इनकमिंग कॉल्स के लिए। साथ ही दोस्तों, जो नोटिफिकेशन रहता है नोटिफिकेशन के लिए, और आपको यहाँ पर जो सेट करना है मतलब कि मैनुअली भी आप इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन लाइट इफेक्ट की सेटिंग में जाने के बाद लॉक स्क्रीन के लिए। उसके बाद दोस्तों, एनिमेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं, काफी आपको कलरफुल इफेक्ट मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे डार्क मोड के बारे में। तो इसके पहले दोस्तों, आपको डार्क मोड मिल जाता है, लेकिन आपको नॉर्मल डार्क मोड मिल जाता है, लेकिन इस अपडेट के बाद डार्क मोड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एम्बिएंट डिस्प्ले मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स लॉक स्क्रीन में यहां पर दे सकते हैं, क्लॉक को इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने कहा था कि आपको डिजिटल एंड एनालॉग दो टाइप के यहां पर क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाता है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। और उसके बाद दोस्तों, एंड्रॉइड का मेजर वर्जन एंड्रॉइड 10 अपडेट रियलमी के कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस को देखने को मिलने वाला है। इसके यहां पर रोड मैप जारी किया है रियलमी की तरफ से। तो आपका जो सिलेक्टेड डिवाइस है, उस सिलेक्टेड डिवाइसेस को एंड्रॉइड 10 का अपडेट रियलमी UI अपडेट के साथ ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसी रियलमी UI के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला था, कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करने वाला था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।